भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव पचगावा कादमा मईकाला मईखुर्द का दौरा किया। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मईकाला गांव में जिम हॉल व मईखुर्द में पंचायत घर में हॉल का उद्घाटन किया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कर रही है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पंचायत में विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि बाजरे का भाव 5,000 रुपए क्विंटल और सरसों का भाव 10,000 रुपए क्विंटल किया जाए। इन फसलों में पानी भी कम लगता है और किसानों की आमदनी भी ज्यादा होगी। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क है और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा से कैमरामैन अमनदीप के साथ उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट। देखो, भगवान की दया से जिस गांव में आप और हम सब बैठे हैं, इस बार हम बचाव में हैं, वरना तो कई बार ओलावृष्टि तनाणी के लेकिन माई के बीच थी पड़िया कर दी हर बार, इनको बच गए। नंबर दो, मैं तो लोकसभा में भी यही कहता हूँ, हर जगह केवल एक ही बात का हमारा तो मुख्य मुद्दा है, अगर किसान की आमदनी दुगनी करनी है, पानी बचाना है देश की नदियों का नहरों का, और आपने इस बीमारी से देश का पांडा सुटाना है, ये कोई तो कैंसर हो जाए, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं शुगर है, किधर सिर दुखन लग जाए, सारी चीज़ों का केवल एक इलाज है कि उस फसल का जिस फसल में मोटा अनाज जिसमें आयरन भी हो, उस भोजन में ताकत भी हो, उसको तो बढ़ावा दे ले। इस गेहूं और जीरी में तो DAP यूरिया के अलावा किमें भी कोनी, और उसका एकमात्र तरीका है पानी भी बच जाएगा, लोग बीमार भी कोनी हो। बाजरे का तो रेट कर दे सरकार 5,000 रुपये क्विंटल और सरसों का कर दे 10,000 रुपये क्विंटल, ये दोनों फसलों का रेट दाना दाना सरकार खरीदे, 5,000 रुपये क्विंटल बाजरा, 10,000 रुपये क्विंटल सरसों, तो मैं दावा कर सकता हूँ ना तो कोई जीरी बोएगा, ये जीरी में पानी लागे 100 गुना ज़्यादा, वो पानी भी हमें आगे मिल जाएगा और ये लोग बीमार भी कोई नहीं, हमारा तो बस यू है। साथ में जैसे कि कोरोना जो वायरस चल रहा है, मैंने कहा कोरोना भी कोई नहीं आवा, फिर सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार कितना सतर्कता, सरकार पूरी सतर्क है।